Realme 12 Pro 5G स्मार्टफोन वर्सेस Vivo T2 Pro 5G स्मार्टफोन। भाई मैंने Realme 12 Pro एंड Pro Plus के काफी सारे कंपैरिजन किए हैं बीते कुछ समय में, और आपकी डिमांड पर मैंने उसके अलावा भी बहुत सारे कंपैरिजन किए जिसपे भाई कोई कंपैरिजन बनता भी नहीं था 12 Pro और Pro Plus का। और इसी के साथ दोस्तों मुझे एक और कमेंट काफी ज्यादा देखने को मिला, Realme 12 Pro वर्सेज Vivo T2 Pro 5G स्मार्टफोन। तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन को बेसिकली मैंने पर्सनली भी यूज किया है और मैंने आपके काफी सारे क्वेश्चन भी कमेंट बॉक्स से उठाए हैं। तो दोस्तों मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर देने वाला हूँ, और साथ ही दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन हम करेंगे और बताएंगे अगर आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से एक स्मार्टफोन खरीदना हो तो वो कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है, चाहे मैं गेमिंग की बात करूं, परफॉर्मेंस की बात करूं, डिस्प्ले की बात करूं या बैटरी की बात करूं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट अभी नहीं करते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोनों स्मार्टफोन की बात करूं तो अंडर 25,000 देखने जाते हैं, 12 प्रो भी हमें ऑफर्स के साथ 22-23,000 के अंदर देखने जाता है, और T2 प्रो पर भी ऑफर आते रहते हैं तो ये भी आपको 22-23,000 के अंदर भी देखने जाएगा। लेकिन नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो 24-25,000 में दोनों स्मार्टफोन आपको इजीली मिल जाते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं स्पेक्स की दोनों स्मार्टफोन की, कि कौन-कौन से स्मार्टफोन में क्या-क्या स्पेक्स अच्छे मिलते हैं। पहले तो बता दो, दोनों स्मार्टफोन में इनडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ देख मिलते हैं, और दोनों स्मार्टफोन के जो फिंगरप्रिंट सेंसर्स हैं वो काफी अच्छी तरह से काम करते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के लुक एंड डिजाइन से। लुक एंड डिजाइन की बात करूं तो Vivo T2 Pro 5G स्मार्टफोन में देखने जाता है ग्लोजी बैक के साथ, जहां पर ड्यूल कैमरा सेटअप देखने जाता है, कर्व्ड एजेस वाली डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाती है, और फ्रंट साइड में आता हूं तो मिड कंसोल डिस्प्ले है एमोलेड पैनल, और 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस हमें देखने जाती है। बैजेस यहां पर हमें काफी हद तक कम देखने जाते हैं, और जो डिस्प्ले के कलर्स है ना वो भी हमें यहां पर काफी अच्छे देखने जाते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं Realme 12 Pro 5G स्मार्टफोन की बात करूं तो ये बैक में वीगन लेदर के साथ आता है, और यहां पर भी जो हैंडसम फील है काफी अच्छी रहती है, कर्व्ड एजेस देखने जाते हैं बैक से भी और फ्रंट से भी, मिड कंसोल डिस्प्ले देखने जाती है, बैजेस काफी कम है, और एमोलेड पैनल देखने जाते हैं। यहां पर अगर मैं ब्राइटनेस की बात करूं तो 950 नीट्स की पीक ब्राइटनेस आपको देखने जाती है। देखो दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के कलर्स की बात करूं या लुकिंग वाइज बात को देखो मुझे पर्सनली काफी अच्छे लगे। हाँ रियर साइड का डिजाइन है मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, आपको कौन से स्मार्टफोन का डिजाइन पसंद आया आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। लेकिन अगर मैं फ्रंट साइड की बात करूं ना, देखो कलर्स वाइज अगर मैं बात करूं तो लगभग दोनों स्मार्टफोन एक जैसे देखने जाते हैं, दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के जो कलर्स है ना वो हमें अच्छे देखने जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ब्राइटनेस की या आउटडोर विजिबिलिटी की तो वो T2 Pro में आपको थोड़ी अच्छी देखने को मिल जाती है एज टू कंपेयर करें Realme 12 Pro 5G स्मार्टफोन से। तो यहां पर हम कुल मिलाकर कह सकते हैं भाई ज्यादा नहीं लेकिन कुछ हद तक भाई T2 Pro की डिस्प्ले हमें बेटर देखने जाती है Realme 12 Pro 5G स्मार्टफोन से। दूसरी अभी हम बात करते हैं कैमरा की, कैमरे की बात को तो Vivo T2 Pro 5G स्मार्टफोन में देखने जाता है 64+2 megapixel ड्यूल रियर कैमरा के साथ, जहां पर हमें OIS जैसे फीचर देखने जाते हैं एंड 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने जाता है, 16 megapixel की सेल्फी देखने जाती है, और सेल्फी में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं दोस्तों Realme 12 Pro 5G स्मार्टफोन की तो यहां पर ट्रिपल रियर कैमरा देखने जाता है, जहां पर हमें प्राइमरी कैमरा 50 megapixel, 8 megapixel एंड 32 megapixel का, यहां पर भी पेरिस्कोप लेंस आपको देखने को मिल जाता है, सेल्फी की बात को 16 megapixel की सेल्फी देखने जाती है, और रियर कैमरा भी यहां पर भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने जाता है। देखो वैसे तो दोनों स्मार्टफोन के कैमरा अच्छे हैं, मैं बेसिकली दोनों स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सैंपल्स आप माई डिस्प्ले पर देख सकते हो, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन से स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी अच्छी है। अगर मैं मेरे हिसाब से बात करूं तो नो डाउट यार Realme 12 Pro है ना यहां पर बेटर कैमरा क्वालिटी प्रोवाइड करवा रहा है, हालांकि T2 Pro की भी कैमरा क्वालिटी इतनी बेकार नहीं है। लेकिन चूंकि हम यहां पर दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो Realme 12 Pro है ना वो हमें बेटर कैमरा क्वालिटी प्रोवाइड करवाता है। थर्ड अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की बात करूं दोस्तों Vivo T2 Pro हमें प्रोवाइड करवाता है MediaTek Dimensity 7200 चिपसेट, जो कि भाई 25000 तक अगर मैं बात करूं भाई काफी ज्यादा तगड़ा चिपसेट है, और परफॉर्मेंस इन गेमिंग वाइज तो भाई काफी तगड़ा है ही। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं Realme 12 Pro की तो ये हमें देखने जाता है स्नैपड्रैगन के 6th Gen 1 चिपसेट के साथ, और यहां पर भी अगर मैं गेमिंग की बात करूं तो भाई कोई बुरा गेमिंग एक्सपीरियंस देखो नहीं मिलता, मैंने पर्सनली यहां पर गेमिंग की थी भाई काफी अच्छी गेमिंग होती है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं दोनों स्मार्टफोन के कंपैरिजन की, और कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं तो दोनों स्मार्टफोन के एंटीटू बेंचमार्क स्कोर है ना मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, GPU CPU हर तरह की टेस्टिंग के स्कोर यहां पर दिखा रहा हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन से स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस है या स्कोरिंग है हाई देखने मिलती है। और यहां पर आप देखोगे तो नो डाउट जो T2 Pro की परफॉर्मेंस है ना वो हमें बेटर देखने जाती है, हालांकि कोई बड़ा डिफरेंस देखो नहीं मिलता, लेकिन कुछ हद तक भी अगर मैं बात करूं तो T2 Pro की गेमिंग है ना आपको थोड़ी बेटर देखने को मिल जाएगी एज टू कंपेयर करें Realme 12 Pro 5G स्मार्टफोन से। लास्ट एंड फाइनल अगर मैं बैटरी की बात करूं तो Realme 12 Pro में मिलता है 5000mAh की बैटरी के साथ 67W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, एंड T2 Pro की बात करूं तो 4600mAh की बैटरी देखने जाती है एंड 66W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने जाता है। देखो चार्जिंग में मैं नहीं कहूंगा कोई भी आपको डिफरेंस देखने मिलता है, 1W से कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता, बिल्कुल ही मिनिमल, मतलब होता ही नहीं है इतना मान सकते हो, और बैटरी में भी सेम ही देखने जाता है, हालांकि 400mAh का ही डिफरेंस है, लेकिन भाई मैं सच बताऊं तो वो इतना कोई खास बड़ा नहीं होता, लगभग आप मान सकते हो एक जैसी ही बैटरी आपको देखने जाएगी।
हाँ एंड्रॉइड वर्जन की बात करो तो T2 Pro अभी हाल ही तक जो एंड्रॉइड 13 के ऊपर आ रहा था, लेकिन जल्दी ही एंड्रॉइड 14 का अपडेट यहाँ पर मिल जाएगा। जबकि बात करो रियलमी 12 Pro की तो ये एंड्रॉइड 14 पर अभी भी आ रहा है। तो ये दोस्तों सारी चीजें दोनों स्मार्टफोन के बारे में जो कि मैंने आपको बताई, आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन में से अगर हमें कोई भी स्मार्टफोन खरीदना हो तो वो कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। देखो अगर आपको कैमरा अच्छा चाहिए ना, स्पेशली अगर मैं बात करूं रियर कैमरा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप रियलमी 12 प्रो 5G स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। थोड़ी ही बेटर कैमरा क्वालिटी आपको देखने में जाती है 12 प्रो में एज टू कंपेयर करें वीवो T2 प्रो से। अदरवाइज दोस्तों आपको डिस्प्ले अच्छी चाहिए, बैटरी, कैमरा भाई ऐसा नहीं कि मैं कहूँ प्राइसिंग के हिसाब से तगड़ा, कैमरा भी ठीक चाहिए और परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए, तो मैं आपको T2 Pro सजेस्ट करूंगा, आप T2 Pro की तरफ जा सकते हो। बाकी दोस्तों ये था मेरा छोटा ओपिनियन एंड कंपैरिजन T2 Pro वर्सेस Realme 12 Pro 5G स्मार्टफोन का, कैसा लगा आपको आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।